अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सब्ज़ी पूरी। ये दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सब्ज़ी पूरी की रेसिपी तो बहुत ही कॉमन है, इसकी वीडियोस तो बहुत लोगों ने डाल रखी है, लेकिन आज मैं इसको बनाने के लिए एक नया तरीका बता रही हूँ जिसमें हम सब्ज़ी बनाने में ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 4 बड़े आलू, जिसे मैंने इस तरह से छील के काट लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इसमें एक प्याला पानी मिलाकर हम इसे सील कर देंगे। चार सीटी आने तक इसे हम हाई फ्लेम पर पका लेंगे और फिर गैस को ऑफ कर देंगे। जब तक ये रेडी होता है तब तक हम रायता प्रिपेयर कर लेते हैं। रायते के लिए मैंने 100 ग्राम दही ली है। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 बारीक कटी हुई प्याज। इसे हाथ से थोड़ा सा मसल लेंगे जिससे प्याज हमारी बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी। और लास्ट में थोड़ी सी एक कटी हुई हरी धनिया। ये सब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। रायता हमारा रेडी है। 4 सीटी आने तक ये हाई फ्लेम पे पक चुका है। गैस मैंने ऑफ कर दिया था, इसका प्रेशर अब निकल चुका है। तो चलिए अब हम इसको पूरी तरह से पका लेते हैं। देखिए आलू ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब हम गैस को ऑन करेंगे और इसमें 1 पीस आम का अचार डालेंगे मसाले के साथ। इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और साथ ही साथ 4 हरी मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा सा आलूओं को मिक्स कर देना है। और यहाँ पर हमें नमक भी टेस्ट कर लेना है। अगर नमक कम ज़्यादा हो तो हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे लो फ्लेम पर ढककर 2-3 मिनट पका लेना है। यहाँ पर कुकर सील करने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट हो चुके हैं। देखिए सब्जी भी रेडी हो गई है, अचार भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, अचार की इसमें स्मेल भी आने लगी है। तो चलिए अब हम पूरियां बना लेते हैं। आटे के इस तरह छोटे छोटे पोर्शन लेकर इस तरह हमें इस साइज़ की पूरियां बेल लेनी है। देखिए इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। इसी तरह हमें सारी पूरियां बेल लेना है। पूरियों को डीप फ्राई करने के लिए हमें ऑयल गर्म कर लेना है। पूरियों को अच्छे से फ्राई करने के लिए तेल हमें बिल्कुल गर्म चाहिए, इसलिए हम इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। लेकिन तेल अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर लीजिए ताकि पूरियां जलें भी ना और उसका कलर भी अच्छा आए। पूरियों को दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। इस तरह से टेढ़ा करके भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए जिससे इसकी साइड्स भी अच्छे से फ्राई हो जाए। इसी तरह हमें सारी पूरियों को फ्राई कर लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।